24 घंटे से लापता 25 वर्षीय युवक का पेड़ से लटका हुआ मिला शव। भाई ने मृतक के सालों पर लगाया हत्या का आरोप। श्योपुर जिले की सिटी कोतवाल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़ौती इलाके में शुक्रवार की सुबह एक 35 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। तहकीकात करने पर मृतक शहर के माधव नगर का रहने वाला निकला, जो पिछले 24 घंटे से लापता था। मृतक के भाई ने मृतक के 2 सालों पर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बड़ौदी क्षेत्र के रहने वाले राजेश कुशवाहा ने बताया कि उसका 35 वर्षीय भाई धर्मेंद्र कुशवाहा पुत्र हरिचरण कुशवाहा गृह कलेश के चलते पिछले 8 माह से माधवनगर में किराए का मकान लेकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। धर्मेंद्र बड़ौदी क्षेत्र में एक पत्थर फैक्ट्री में काम करता था। 28 तारीख को धर्मेंद्र पत्थर फैक्ट्री से लापता हो गया था। लगातार धर्मेंद्र की तलाश की जा रही थी। गुरुवार की शाम से सूचना मिली कि धर्मेंद्र का शव पत्थर फैक्ट्री के पास पेड़ पर लटका हुआ है। राजेश कुशवाहा ने बताया कि उसके भाई धर्मेंद्र का विवाद उसकी पत्नी के साथ होता रहता था। कुछ ही समय पहले धर्मेंद्र की उसके 2 सालों ओम और धर्मेंद्र ने मारपीट कर दी थी। उसे संदेह है कि उसके भाई धर्मेंद्र की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। राजेश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? बड़ौदी। क्या घटना हो गई थी भाई के साथ? भाई के साथ फैक्ट्री पे काम करता था, तो एक लड़के ने मुझे फोन लगाया 10-12 बजे के करीब। तेरा भाई कहीं 10-11 बजे से गोल है यहाँ पे और तू उसको देख ले। मैं देखने पहुँचा तो उधर कहीं नहीं मिला। इधर उधर देखा, रिश्तेदारी हूँ मैं भी, आस पीस भी देखा तो कहीं नहीं मिला। तो कल हम रिपोर्ट लिखाने आए तो जहाँ पे बोला कि 4 बजे आपकी रिपोर्ट लिखी होगी, हम 4 बजे यहाँ पे आ रहे थे। फिर फैक्ट्री में एक लड़का काम करता था, उस लड़के ने मुझे फोन लगा के तेरा भाई तो फांसी लगा के ना आए, इसमें लटक रहे आए। कौन था वो? फैक्ट्री पे काम करता है कोई, राठौर का लड़का था, नाम तो मैं उसका जानता। तुम्हारे भाई का नाम क्या था? धर्मेंद्र कुशवाहा। कितनी उम्र थी? 35 साल। पिताजी का नाम? हरिचरण। हरिचरण कहाँ रहते हो? बड़ौदी। बड़ौदी पे रहते? कितने दिन से काम कर रहा था? काम तो 4-5 साल से ही कर रहा है, वो तो बहुत सालों से कर रहा है काम। तो इसमें तुम्हें क्या लग रहा है? इसमें उसके साले ससुरे से, उसकी घरवाली से लड़ाई झड़ाई होती रहती थी। तो मतलब जहाँ रहता तो माधवनगर कॉलोनी में किराए से, 8-8 महीने से किराए से रहता तो लड़ाई मड़ाई हो गई थी। एक बार बंद मंद भी करा दिया था उसको, तो मैं छुड़ा के ले गया उसको, यहीं से छुड़ा के ले गया। तो 1-1.5 महीना उसके साथ रहा फिर होनी। फिर अभी एक दिन फिर लड़ाई हो गई तो वो कह रहा है कि मेरी मारपीट करी इन्ने, ढक्का मक्का दे के मुझे उसके साले माले ने। नाम क्या है उनके? ओमी और धर्मेंद्र। कहाँ रहते हैं? माधवनगर कॉलोनी। यही वहीं रहते हैं? यही वहीं रहते हैं। उनने मारपीट करी? उनने मारपीट की, भैया बता रहा था मुझे, तो उनने मेरी मारपीट करी और मुझे ढक्का दे के भगा दिया। अब बीवी कहाँ है? अभी माधवनगर में रहती है। तो आई नहीं है बीवी? अभी आ गई है, आए सुबह आ गई थी। अच्छा। 2 बच्चे हैं। तो आरोप क्या क्या लगा रहे आरोप? हम किसने मारा है अभी तो पक्का बता नहीं सकते किसने मारा है। क्या आत्महत्या? आत्महत्या ये तो नहीं कह सकता मैं कि आत्महत्या है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मार के ना आए और फिर पेड़ से लटकाया है, ऐसा लग रहा है मुझे। नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले? बड़ौदी। ये कौन थे आपके? छोटा भाई। क्या नाम है? धर्मेंद्र। कितनी उम्र होगी? 35। कितने बच्चे थे? एक लड़की है एक लड़का है। और रहता कहाँ था ये? जे रहने को तो जहाँ माधवनगर कॉलोनी में रहता था। किराए के मकान? किराए के मकान में 8-1 महीने हुए थे उसको रहने। अच्छा। क्या करता था ये? जे पत्थर के काम करता था फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आज क्या घटना हुई? इसके साथ मैं काम कर रहा था तो इसका एक फैक्ट्री पर काम करता है, वो लड़के ने मुझे फ़ोन लगाया था 28 तारीख में, परसों, कि तेरा भाई जहाँ से गोल है उसको ढूंढ ले। मैं गया वहाँ पे, कहीं नहीं मिला मुझे। इधर रिश्तेदार मिश्तेदार फांसी लगा लिया? अब कह नहीं सकता फांसी लगा ली है या किसी ने मार के ना ही फिर फांसी लगा के लटका दिया। अच्छा।